Hello everyone, a very warm welcome to our special episode, a special segment of VKB News, and I'm your host Meenakshi. Special segment is here because hum hamesha in logon se milte hain jo khud se zyada society ke bare mein sochte hain aur society ke bare mein sochne ke liye jigar lagta hai. Because after pandemic ek aisa daur aaya jahan par logon ko hila kar rakh diya is pandemic. और पैंडामिक के बाद कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोग बहुत परेशान हैं और अब तक एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं. लेकिन इससे परे अपने से ज़्यादा अगर हम सोसाइटी के बारे में सोचें और ख़ासकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनके बारे में अगर सोचें तो उससे बड़ी बात क्या होगी. सोसाइटी में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं आज के हमारे गेस्ट विजय सर. विजय सर के नाम से इन्हें जाना जाता है और ये हैं कराटे चैम्पियन. तो चलिए, कौन है विजय सर, क्या करते हैं और क्या खास ये काम कर रहे हैं जानने के लिए मिलाती हूँ मैं आपसे. आइए. नमस्ते सर. नमस्ते, कैसे हैं? तो ये है हमारे साथ विजय गिचारे. और विजय सर जो हैं कराटे के बहुत बड़े चैंपियन हैं. 15 से 20 साल हो गए हैं जो अपने ये एसोसिएशन को ये रन कर रहे हैं जिसका नाम है विदर्भ कराटे एसोसिएशन. एंड अब ये एसोसिएशन क्यों खास है इसके बारे में आपको मैं बता दूँ. ये एसोसिएशन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे शायद बहुत से बच्चे स्कूल भी नहीं जाते. yes, जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, वो स्कूल भी जाना अफोर्ड नहीं कर पाते. लेकिन ये जो विजय सर हैं उन्हें कराटे का एक प्रशिक्षण देते हैं और उसके साथ साथ ऐसे कई सोशल वर्क ये कर रहे हैं. आइए सर, बहुत सारी बातें, बैठते हैं. yes, विजय सर, विदर्भ एसोसिएशन, कराटे एसोसिएशन कब शुरू किया आपने? विदर्भ कराटे से मैम मुझे बनाए कम से 15 से 20 साल हो चुके हैं. अच्छा, हाँ. मैंने काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा मुझे इसके लिए, अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़े करने के लिए. काफ़ी सीनियर बच्चे गए, कोई आए, कोई गए, पर अभी जो मेरे हाथ जो है मेरे पूरे मजबूत हाथ है. यानी मेरे मजबूत हाथ बोलो तो मेरे सीनियर, मेरे इंस्ट्रक्टर, मेरे छोटे छोटे बच्चे, वही मेरे दोनों हाथ है जिन्होंने विदर्भ कराटे खड़े करके रखा है. जी, कराटे एसोसिएशन के पहले विजय सर मैं आपकी बात करूँगी. कराटे में आपका जुड़ाव कैसे हुआ? हमारे जो पप्पा थे, फादर, वो धनवटे नेशनल कॉलेज में कराटे पढ़ने जाते थे, तो उनके साथ में साइकिल से मैं उनके पीछे पीछे बैठ के चले जाता था. तो वो धीरे दिखते 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 देखते मुझे इंटरेस्ट आने लगा. पप्पा ने कराटे को छोड़ दिया, फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने इसको अभी तक से मैंने पकड़ के रखा हूँ. ओके. क्योंकि जो ज़माना था जब आप कराटे से जुड़े, वो ज़माने में हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा पढ़ाई के लिए दबाव देते थे कि तुम पढ़ लो, जॉब कर लो, एक अच्छी जॉब कर लेगा बच्चा. लेकिन ये जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है ये अब के ज़माने में बहुत चलन में है और हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम प्रोफेशनली इसे आगे हम अपना कर सकते हैं. यस मैम. उस समय पे आपको तकलीफ नहीं हुई अपने पेरेंट्स को? कोई तकलीफ मम्मी सबसे, आज हम जो इस मुकाम में पहुँचा हूँ, आज जो ये बेल्ट मेरा है, ये मैं अपने मम्मी पापा के लिए बोलूँगा कि आज यहाँ तक जो पहुँचा मैंने अपने मम्मी पापा के कारण पहुँचू. मम्मी पापा ने मुझे आज तक अभी इस चीज़ के लिए कभी रोका नहीं, कभी नहीं रोका. जी जी, वो जो जर्नी शुरू हुई आपकी जब आप सीखते थे कराटे और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने ये किस तरह से सोचा कि मुझे एक एसोसिएशन बनाना चाहिए, मुझे बच्चों के लिए काम करना है? मैं काफ़ी टूर्नामेंट खेलने जाता था, वहाँ पे क्या टूर्नामेंट में इन लीगल सर्टिफिकेट काफ़ी दिया जाता था. हाँ. जिससे बच्चों को कोई चीज़ का बेनिफिट नहीं हो रहा.
कि मैंने सोचा कि क्यों ना एक अपन एक एसोसिएशन फॉर्म किया जाए जहाँ पे हम बच्चों को अनेक सर्टिफिकेट दिए, जहाँ पे बच्चों को जॉब के लिए पुलिस के लिए भर्ती से अप्लाई किया जाए ताकि वो बच्चे वहाँ पे ज्वाइन हो सके। पर यही था कि एसोसिएशन बनाया जाए। जी सर, आपने जब टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया वो भी एक दौर रहा होगा। यस यस मैम। आपको भी फेलियर्स मिले होंगे, बिकॉज आज की जो जनरेशन, मैं हमेशा अपने सेशंस में कहती हूँ कि आज की जनरेशन बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती है, एक छोटे से फेलियर से हार जाती है, उसके बाद कोशिश करना छोड़ देती है। तो मैं आपसे जानूंगी कि क्या आपने भी ये पड़ाव को महसूस किया? यस मैम। अभी तो देखिए, अभी टूर्नामेंट, आज के बच्चे जो पढ़ते हैं, आज के बच्चों को सब चीज़ फैसिलिटी है, जो चीज़ मुझे नहीं मिली थी, इसलिए आज ये सब मैंने अपने एक एक पाँच रुपये जमा करते, आज मैंने बच्चों ये सब चीज़ सामान जमा कर रखा। जी, जी। हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे, हमारे पास कीट पैड, फोकस पैड कुछ नहीं, हम लोग हाथ में चप्पल डाल के हम लोग से प्रैक्टिस करते थे। पर आज मैंने ये जो मैंने चीज़ नहीं लिया, अब वो चीज़ मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, इसलिए आज मैंने ये सब चीज़ बच्चों के लिए हासिल करके दिया। जी, आपकी उस दौर के बारे में जानना चाहूँगी जब आपने पार्टिसिपेट किया कॉम्पिटिशन, कोई ऐसे मेमोरेबल रहा? काफ़ी है मैम। जब हम नेपाल टूर्नामेंट खेलने गए थे नेपाल में, तो नेपाल में मेरा हाथ यहाँ पे ब्रेक हो चुका था। फिर नेपाल में हमारी इंडिया की टीम, नेपाल की टीम काफ़ी टफ चालू थी नेपाल की, और नेपाल इंडिया नेपाल के तरफ से काफ़ी बच्चे मेडल दिए जा रहे थे, सिर्फ हमारे इंडिया को मेडल नहीं आ रहा था। सेकेंड लास्ट मैं बचा हुआ था वहाँ पे हमारी नेपाल और मेरा टफ कॉम्पिटिशन चालू थी। पर नेपाल और इतना बहुत चिढ़ रहे थे। फिर आखिर पे मैंने बहुत रोया वहाँ पे, कि फिर जो मेन ऑर्गेनाइजर था उन्होंने बोले एक बार फिर से आपकी मैच कराइए, और वो ऑर्गेनाइजर कुछ हमारे सामने बैठा। फिर मैंने कहा 0 पॉइंट मैंने हराया, तो पूरे इंडिया के लोग जब मेरे पास, उन्होंने मुझे लेके जब थोड़ा सा मैं गिर गया तो मेरे यहाँ से हाथ ब्रेक हो गया था नेपाल में, और इंडिया को फर्स्ट गोल्ड मेडल मैंने हासिल करके दिया था नेपाल में। बात है, मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि ना, आज अगर आप भारत का ये, यस मैम, इसलिए जो आपके साथ है वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने देश के लिए कुछ किया। यस मैम। वो फीलिंग कैसी होती है? काफी बढ़िया होती है, है ना? यस मैम। कुछ देश के लिए करना और पैशन को फॉलो करते हुए हमने देश को कुछ हासिल करवाया है और हम उसके कॉन्ट्रीब्यूशन में एक बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं। कराटे की अगर हम बात करते हैं विजय सर, कराटे कितना मुश्किल है या कितना आसान है? देखिए, कोई भी चीज़, कराटे हो या कोई भी, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। हाँ। उसे करने का अपने आप जज्बा होना चाहिए, सिर्फ जज्बा होना चाहिए, सिर्फ जज्बा। हमें कराटे में कई लोग आते हैं, कई चले, कोई बोलता सर हमें नहीं जमता, हमने, तो वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं। हर चीज़ हमें चीज़ आना, आप जब तक उसे करोगे नहीं, जब तक चीज़ आपको आएंगे नहीं। तो बस लोगों से मैं यही कहूँगी, कराटे इतनी अच्छी चीज़ है जिसमें आपको फिजिकल फिटनेस से लेके, सेल्फ डिफेंस से लेके, कॉन्सेंट्रेशन से लेके, आपका पूरा इसमें कवर होता है। जी, आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है इस फील्ड की अगर हम बात करें तो, कराटे में आप किसको फॉलो करते रहे हैं? और एक तो जो सबसे पहले कराटे जो हमारा आया, वो हमारे जो पूरे ग्रैंड मास्टर जो ब्रूस ली जिसे सब बोला जाता है। जी। कराटे कोई नहीं जानता था पूरा व्हाट इज कराटे है, क्या है। जब हमारे जो ब्रूस ली सर थे, जब वो पिक्चर में, जब वो आए कि पिक्चर में उन्हें एक्शन करना चालू किया, अच्छा कराटे, तब से लोग कराटे करने लगे। और जिसने कराटे को फाउंड किया, ये हमारे ग्रैंड मास्टर, इनका नाम है गिचिन पोनोकोसे सर, जिन्होंने कराटे को उधम किया, फाउंडर ऑफ शोटोकान। अच्छा जी, कराटे में किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक स्पोर्ट का एक अपना अलग फॉर्म है, एक अलग तरीका है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं। कराटे की स्पेशलिटीज अगर हम जानना चाहें, कराटे की मेन स्पेशलिटी है अपना बैलेंसिंग। अगर हम किकिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो किकिंग हमारी हाई क्यू नहीं, 360 डिग्री की नहीं मार रहे, पर हमारा किक मार के हमारा बैलेंसिंग पावर देन परफेक्शन देन आइस रोटेशन, हमारा फोकस कहाँ है। अगर यही चीज हमारी फोकस रही, हम कराटे में आराम से हम मास्टर डिग्री पा सकते हैं। सर, कराटे एक स्पोर्ट के तौर पर अब बेहतरीन तरीके से जाना जाता है, लेकिन अब सेल्फ डिफेंस के तौर पर भी जो लोग हैं वो उसमें उतर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई केसेस बढ़ गए हैं जो नहीं बढ़ने चाहिए। और मुझे लगता है कि लड़कियों ने इस सेल्फ डिफेंस तरीका और कराटे में एक अलग पहचान बनानी बहुत जरूरी है, क्या मानते हैं आप? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अभी आए दिन हम पेपर में, न्यूज़ में देखते हैं कि गर्ल्स के साथ क्या क्या नहीं होता है। तो हमारे पास जो गर्ल्स आती है, मैं तो जितने भी बड़े बड़े गर्ल्स आती है उन्हें मैं यही बोलता हूँ कि आप कॉम्पिटिशन ना खेलें। मैंने कॉम्पिटिशन के लिए फोकस नहीं करता, उन्हें मैं सिखाती हूँ ओनली सेल्फ डिफेंस, कि जब आप और मेरा जब अट्रैक्शन होता है, सबसे पहले हमारा सेकेंड से अट्रैक्शन होता है, तो हाथ पकड़ने से हम पहचान सकते हैं कि लड़का आपके बारे में क्या सोच रहा है और क्या जताना चाहता है। तो इसकी 8 टेक्निक है हाथ पकड़ते बराबर। अच्छा। क्योंकि लड़की हो या लड़का, मैं हूँ या माँ बाप, आज माँ बाप के साथ में बच्ची आज है या कल नहीं है, पर लड़की हो लड़का, उसे खुद को जिंदगी में आगे सर्वाइव करना है।
लड़की को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, लड़की किस ढंग से अपने आप को संवारेंगी उससे, इसलिए उस चीज़ को जानना जाना चाहिए, आगे की बॉडी लैंग्वेज पहचान आना चाहिए, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। अगर वो लड़की सब चीज़ सीख ले तो उसके कभी कोई अनहोनी नहीं हो सकती। जी विजय सर, बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं आप, क्योंकि एसोसिएशन स्पोर्ट्स एकेडमी तो बहुत सारी है, लेकिन आप जिन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आप जिस तबके के लिए काम कर रहे हैं, वो एक अपने आप में बहुत जिगर रखता है, क्योंकि आजकल हर कोई अपने से जद्दोजहद से जी रहा है। इस दौर पर आप ऐसे बच्चों, ये सोच कहाँ से कि इन बच्चों को मुझे सिखाना चाहिए? क्योंकि देखिए, जब मैं टूर्नामेंट में खेलने जाता तो मुझे भी पैसे की बहुत सामना करना पड़ता। मैंने आज तक अपने मम्मी पापा से कहीं 5 पैसा भी नहीं मांगा जी। मैं 8 साल की उम्र से पेपर बांटता था। अच्छा। हाँ, पेपर बांटते बांटते मैं टूर्नामेंट खेलने जाना, फिर पेपर बांटते बांटते मैंने अपनी साइकिल लिया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था नेपाल में सैफ गेम के लिए। अरे वाह। साइकिल लिया मुझे 8 दिन ही हुआ था, पर सैफ गेम खेलने के लिए मुझे कम से 3-4 हज़ार चाहिए था उस जमाने में। उस जमाने 3-4 हज़ार साल की बात होगी, फिर भी एग्जैक्ट नहीं पता, फिर 10-15 साल हो गए उस चीज़ को जी। फिर मैंने अपने उसी दिन मैंने अपने साइकिल 8 दिन भी मैंने अपनी साइकिल तुरंत बेच के वो गेम खेल के मैं साइकिल बेचा और खेल के भी, जिस पर मेरे को वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल हुआ। गोल्ड मेडल वहाँ पे मुझे 10,000 रुपये मिले, 10,000 जीत के फिर मैंने अपनी साइकिल के बाद मैंने अपनी छोटी सी लूना खरीदा था। अच्छा। लूना, फिर लूना से पेपर बांटते बांटते फिर मैंने अपनी जन स्टार्ट किया जी। आज आपके पास कितने बच्चे सीख रहे हैं और कितने बच्चे सीख के अच्छा काम कर रहे हैं आप? लॉकडाउन के पहले तो मैम मेरे में काफ़ी बच्चे 100-200 बच्चे थे, पर लॉकडाउन के बाद से बच्चे सिर्फ 60-70 ही बच्चे रह गए हमारे। और ब्रांचेस सर, ऐसे बच्चों को और उनकी फैमिली को अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये उनकी भी गलती नहीं है, वो कमाने पर 2 पैसा आ जाए बच्चे से, वो कमाए। अभी तो जो गरीब तबका है वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है, एजुकेशन भी दिलवा रहा है, लेकिन इस तरह से स्पोर्ट्स में डालना उनके लिए एक अलग अफोर्डेबल लग्जरियस चीज़ हो जाती है। तो उन बच्चों को अपने तरफ लाना कितनी बड़ी दिक्कत का सामना बोल कहेंगे? काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी 2 दिन ही जो हमारे कराटे छोटी सी बच्ची आई है, 4 साल की बच्ची है। अच्छा। मम्मी बोली सर की फीस कितनी लेंगे क्या? मैंने देखिए वो बच्ची करेंगी नहीं करेंगी क्योंकि गारंटी नहीं, पर मैं उस बच्ची की फीस कुछ भी नहीं लूँगा, क्योंकि अगर बच्ची नहीं करी तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपके पैसे भी कुछ ये हो जाएगा। इसलिए जब तक बच्चे में इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक कुछ भी चीज़ से मैं नहीं लूँगा बच्चे से, आप उसे आने दीजिए, उसे इंटरेस्ट जागने, तभी जाके मैं कुछ भी हो मैं बता पाऊँगा आपको। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसे बच्चे जो जिनके लिए स्पोर्ट्स एक अलग सपना हो जाएगा, क्योंकि फिनेंशियली बहुत तकलीफ होती है जब हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली ये जो सपने हैं इन्हें भी पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे अगर एक मसीहा अगर मिल जाए इन बच्चों को तो उससे बड़ी बात क्या होगी। सर, इतने सारे बच्चे हैं, इनको सिखाना इसमें इतना सारा लगता है, आप ये सारी चीज़ें किस तरह से पूर्ति कर पाते हैं, क्योंकि आप उनसे कुछ चार्ज नहीं करते, कितना मुश्किल होता होगा ये सब? मुश्किल से मैडम पहले काफ़ी होता है, पहले मुझे किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता था पहले। हाँ। क्योंकि मेरा जॉब था स्कूल में एज अ टीचर था, और लॉकडाउन के बाद से सब छूट चुका है मेरा। अच्छा। पर अभी जो बच्चे फीस दे सकते हैं मैं उनसे बिल्कुल नॉर्मल फीस लेता हूँ बच्चों से। हाँ। अब वही मेरा गुजारा चलता है जी, और कुछ नहीं जी। इसके साथ साथ आप बहुत बेहतरीन 2-3 कार्य ऐसे कर रहे हैं जो शायद विजय सर को जानते होंगे पर्सनली, तो वो ये बात उन्हें पता होगी, लेकिन जो नहीं जानते हैं, और आज मैं अगर इनसे खास मुलाकात करने आई हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो सोसाइटी में इन्हें कुछ वहाँ से चाहिए नहीं, बट ये सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, ये इनकी एक मानसिकता है। सर, आप ही बताएंगे तो बेहतर होगा कि आप किस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं। सबसे मैं कराटे के साथ साथ मेरा 2 फेडरेशन फाउंडेशन है मेरे, एक है नेचर वॉरियर बाइसिकल ग्रुप और दूसरा है हेल्पिंग एंड फाउंडेशन। हेल्पिंग एंड फाउंडेशन मेरा बनाने का मकसद ये था कई सालों से कि मैं काफ़ी लोगों को देखा गरीबों को कि रास्ते में बिना वस्त्र के बच्चे सब घूमते रहते, तो मैंने बोला क्यों नहीं हम उन्हें कपड़े दिया जाए। तो मैं लोगों से कपड़े, जब आप अगर थोड़े भी कपड़े फट जाए वो लोग आप कपड़े जलाने के बजाय कपड़े आप मुझे डोनेट करें ताकि वो अच्छे के लिए काम आ सके, वो लोग मुझे कपड़े डोनेट करते हैं और मैं कपड़े उन गरीबों को देता हूँ। और अभी हार्डली 5-6 महीनों मैंने छिंदवाड़ा की एक गांव है सेतु गांव, उस गांव को मैंने अडॉप्ट किया हूँ, और अभी ठंड काले मैंने वहाँ पे 250-300 कंबल वहाँ गरीब बच्चों को बांट के आया हूँ। आपने पूरे गांव को अडॉप्ट किया? हाँ, अडॉप्ट किया हूँ मैंने पूरे गांव को। क्या सोच थी उसके पीछे? बस वहाँ के बच्चे, वो गांव में सब ब्लैक मैजिक से भरा हुआ गांव है। अच्छा। हाँ, पूरा गांव वहाँ ब्लैक मैजिक करता है ब्लैक, तो मैंने बोला कहीं किसी ने मुझे कॉल किया सर वहाँ पे ऐसा ऐसा किया जा रहा है। बोला जब भी हमने विजिट मारे काफी का सामना करना पड़ा, काफी लोगों ने मुझे विरोध किया नहीं आप यहाँ पर मत आओ ये मत करो, फिर मैंने उनको समझाया कि आप ठीक है
आपने किया ठीक है, पर जो होने वाले जो बच्चे हैं, जो अभी बच्चे खेल रहे हैं, जो खेलने की उम्र है, तो आप उन्हें अगर ब्लैक मैच सिखाओगे तो यही बच्चा हमारे खिलाड़ी हो सकते हैं, कपिल देव हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। और जब मैंने बच्चों को, बच्चों को क्रिकेट क्या होता है, फुटबॉल, उनको कुछ भी नहीं पता कि फुटबॉल क्या होता है, फिर पेरेंट को मैंने समझा कि आप इन्हें स्कूल जाने दीजिए, गेम के मैं सिखाइए, तब जाके उन्होंने मुझे एग्री किया, तब भी गांव को मैंने अडॉप्ट किया। जो भी छोटे बच्चे, इन्हें मैं हर महीने जाके बच्चों को खेल कूद के बारे में समझाना, हमारे बड़े बड़े कराटे के गर्ल्स है, और बच्चों नाखून से काटने से लेके बाल से लेके उन्हें सब चीज़ हम लोग सिखाते। अभी धुपकाल में मैंने बच्चों के लिए वहाँ के बच्चे खेलने को बहुत सारा सामान लिया, बस नेक्स्ट मंथ वहाँ पे बच्चों में कैंप हम लोग एक हफ्ते कैंप करेंगे, और बच्चों पूरे फुटबॉल से लेके सब हम वहाँ पे बच्चों को देने वाले खेल कूद का सामान। विजय सर, सोसाइटी के लिए एक नहीं इतने मल्टीपल कार्य करना मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक सराहनीय पहल है उनके लिए, क्योंकि हम कई बार होता है कि हम कुछ करते हैं तो इन रिवर्स हम बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये एक ऐसे शख्स हैं जो इतने सालों से सोसाइटी के लिए कार्य कर रहे हैं लेकिन कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस इतना है कि उनका जो जज्बा है, उनकी जो सीख है, उन्होंने जो आता है वो सोसाइटी तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ प्लांटेशन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के दौर में, अगर एनिमल्स, क्योंकि हम हर बार, हर अल्टरनेट डे या फिर एवरी मंथ ऐसी कुछ खबरें सुन रहे हैं कि मगरमच्छ हमारे सिटी में आ गया, तेंदुआ घुस रहा है, अब तो भालू भी आ चुका है शहर में, ये क्यों आ रहे हैं, कभी इसके पीछे आपने सोचा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम जो नेचुरल रिसोर्स है उसे ही हम तबाह कर रहे हैं, उसे हम ख़त्म कर रहे हैं, हमारे जंगल, हमारे पेड़, ये सब ख़त्म है, लेकिन उसे मेंटेन करने का कार्य भी विजय सर कर रहे हैं। सर, ये जो सोच थी, ये सोच कहाँ से फैल हुई प्लांटेशन की? अभी देखिए, जो सीज़न जो आते हैं, सीज़न में आम, जामुन, सब फ्रूट हमारे पास सिटी में जब हमारे सब आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं और उसके बीच हम लोग कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, ठीक है। फिर मैंने देखा कि बंदर हमारे सिटी में घुस रहे हैं, तेंदुआ आ गया, मगरमच्छ आ गया, और हम लोग क्या उस जानवर को मार रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्यों हमारे सिटी में आ रहे, क्यों हमारे सिटी में आ रहे, इसका कारण यही था कि हमने अपने खुद के रहने के लिए हमने उनका घर तोड़ा, जंगल बर्बाद कर दिया, उनके जो पेड़ में एप्पल, जाम, जामुन जो भी लगते हैं, हमने खाने का सामान हमने उनसे छीन लिया, इसलिए वो जानवर हमारे सिटी में आ रहे हैं। ये चीज़ देखते हुए मैंने एक ग्रुप हमारा बनाया, नेचर वॉरियर बाइसिकल ग्रुप, जिसमें कोई टीम नहीं, मेरे खुद के कराटे क्लास के बच्चे हैं। आज हम हर संडे 100 से 200 किलोमीटर गाँव जंगल जंगल हम लोग जाते हैं, और जो आम, जामुन, गुटली जो लोग हमारे पास डोनेट करते हैं, हम लोग वो डोनेट जाके गांव, खेड़े में और जंगल में जाके फेंक के आते। अच्छा। अभी 4-5 दिनों में सीढ़ी गया था, सीढ़ी में भी हमने जाम, जामुन की गुठली लेके गए, और जहाँ ट्रेन में बैठे बैठे जंगल में हमने आम, जामुन की गुठली हमने पूरे जंगल में फेंक के आ गए। और ये सारी मदद आपके बच्चे आपको करते हैं? पूरे बच्चे, मेरे कराटे क्लास के बच्चे। अभी कल ही बच्ची ने एक बहुत सारी इमली के बीज ला के दिया मुझे। सर, घर में गुपचुप बनाए थे तो इमली के बीज निकले, सर आप रख लो, तो काफ़ी इमली की भी जाए तो वो भी हम जंगल में फेंक के आ जाएंगे। अगर ये चीज़ खाने की चीज़ हम जानवर को मिल जाए तो क्यों वो अपने सीट में आए, इन्हें खाने की वहीं मिलेंगे, वो बंदर जानवर अपने आराम से जगह बैठ के खा सके, जैसे हम अपने घर में आराम से खाते हैं। मैं यही चाहूँगा लोगों के लिए, वो जानवर भी एक हमारा मनुष्य का चीज़ ही है, तो आप प्लीज आपके घर में जाम, जामुन, गुठली आती है तो प्लीज़ वो कचरे के डब्बे मत फेंकिए, उसे लगाइए, या कहीं जाते हो आप तो जंगल हो कहीं भी, उसे आप फेंक के आइए ताकि वो झाड़ वहाँ लग जाए। जी सर, कराटे पे आते हैं। कराटे एक ऐसा स्पोर्ट जो अब हर जगह बहुत प्रचलित है और लोग अब इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। कराटे को सीखने के लिए क्या कोई एज लिमिट या ऐसा कुछ है? नहीं, एज लिमिट तो मैं कुछ भी नहीं है। पर हम लोग जो कराटे क्लास में जो एज लिमिट लगते हैं 5 साल से अबव, कितने भी कोई भी आ सकता है पढ़ने के लिए। आप इसके साथ जो क्लासेस लेते हैं, आपकी क्लासेस कहाँ कहाँ आप लेते हैं? अभी तो हमारी मेन क्लास अभी यूनिवर्सिटी में ही है। बाकी हमारी टोटल नागपुर में 19 ब्रांचेस हैं। 19 ब्रांच सब अलग अलग जगह सब क्लास चलती है, मानेवाड़ा, हिंगना, डिगोरी, झिंगाबाई, टाकली, सब अलग जगह में ब्रांचेस है, ये आप देते हैं? यस मैम। अगर इन बच्चों के साथ साथ कोई और बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करने चाहें तो फिर किस तरह से उसका प्रोसीजर है? नहीं, अगर उन्हें अगर हमारा एड्रेस पता है तो हमें कांटेक्ट करते हैं, आते मिलते हैं, फिर हम लोग सब इनको बताते प्रोसीजर क्या है, तो हिसाब से वो एडमिशन हमारे पास करते हैं। एडमिशन लेने के बाद बच्चा अगर कराटे सीख जाता है तो आगे उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। यस मैम। जिज्ञासा बढ़ जाती है तो वो पार्टिसिपेट करना चाहता है,
तो ये किस तरह आप हेल्प करते हैं, कितने बच्चे हैं जो हैं अब वो आपका नाम रोशन करके आगे आए? ऐसे काफी बच्चे हैं, पर मैं अपने बच्चे जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, टूर्नामेंट तो काफ़ी होती है और कराटे में बेल्ट एग्जाम भी काफ़ी होती है, पर सभी के पास पैसा इतना नहीं होता है जो हर बार टूर्नामेंट खिलाए, हर बार बेल्ट एग्जाम ले। इसलिए मैं अपने कराटे क्लास में बच्चों को साल में एक ही बार टूर्नामेंट खिलाता हूँ, साल में एक ही बार हम लोग बेल्ट एग्जाम लेते हैं, जो कहीं कहीं जगह हर 3-4 महीने बेल्ट एग्जाम होती है, हर महीना पैसा देना कोई पैरेंट को नहीं पुराता। इसलिए मैं साल में एक बार टूर्नामेंट और एक बार ही बेल्ट एग्जाम लेता हूँ मैम, बाकी दिन पूरा इनको प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस 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 बस। जी, कराटे को अगर हम शब्दों में जानना चाहें और स्टेप बाय स्टेप जो सिखाते हैं, अगर वो प्रोसीजर हम जानना चाहें तो वो किस तरह का होता है? स्टेप सबके हर एक का सिलेबस होता है। और सबसे मेन चीज़ आपको बताना, कराटे, करा मींस खाली, टे मींस हैंड, कराटे इसे कराटे नहीं बोला, मेन बोला कराटे खाली हाथ, करा मींस खाली, टे मींस हैंड, खाली हाथ से लड़ने की टेक्निक को हम लोग कराटे कहते हैं। अच्छा, यस मैम, ओके। और जब सिखाया जाता है तो क्या प्रोसीजर होता है, क्लास वन क्लास टू, क्योंकि हर एक चीज़ को सीखने के लिए उसका एक प्रोसीजर होता है। नर्सरी क्लास वन की ये सिलेबस होगा, तो ये सिलेबस जो है इसको ब्रीफ में अगर आप बताएं। सबसे पहले हमारा होता है येलो बेल्ट। अच्छा, जब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, सीनियर हो या जूनियर, छोटा हो या बड़ा, मैं, हम सब एक ही साथ कॉमन एक्सरसाइज करते हैं। कॉमन एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज के बाद हमारा ग्रुप डिवाइड हो जाता है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर है हर ग्रुप में सिखाते हैं। येलो बेल्ट होता है, 3 महीने का सिलेबस होता है। अच्छा। जब तक बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होंगे हम लोग एग्जाम नहीं लेते। एग्जाम के साथ साथ हम बच्चों के थ्योरी पेपर भी हमारा होता है। अच्छा। कि कराटे क्या होता है, कराटे कहाँ से आया, हम जो येलो बेल्ट ग्रीन बेल्ट देते तो बेल्ट के मीनिंग क्या होते, हमारे कराटे में जो बेल्ट है वो हमारे पूरे नेचर से हमारे पूरे बने हुए। जब मॉर्निंग में सूरज उगता है तो हमारे पूरा आसमान येलो शेड हो जाती है, दिस इज येलो बेल्ट। अच्छा, हमारा जो बेल्ट की डिग्री होती है सब नेचर के ऊपर ही डिपेंड है हमारा। अच्छा, और उसके बाद बारी येलो के बाद ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन पर्पल, ब्लू बेल्ट, ब्लू पर्पल, देन ब्राउन बेल्ट, देन ब्राउन गोल्डन, देन ब्लैक बेल्ट। टोटल मिला के 4.5 साल का कोर्स होता है। ब्लैक बेल्ट हासिल करना तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है। यस मैम। कितना डिफिकल्ट है ब्लैक बेल्ट हासिल करना? काफी डिफिकल्टी है। और किस एज तक हासिल किया जा सकता है? अभी देखिए, अभी हमारे कराटे में छोटा सा बच्चा राघव जो 2.5 साल की उम्र से हमारे पास आया, काफी, वो तो नाम सुना भी होगा, वो ब्लैक बेल्ट के लायक है। अरे वाह। पर उसे मैं अभी भी ब्लैक बेल्ट नहीं दूंगा, क्योंकि वो अभी खेलने की उम्र है, उसको ब्लैक बेल्ट का मीनिंग क्या है उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि ब्लैक बेल्ट क्या होता है, ब्लैक बेल्ट एक बोलो डिग्री, मास्टर की डिग्री होती है। इसे अगर मैंने ब्लैक बेल्ट दे दिया तो लोग बोले अरे उतने से बच्चों ब्लैक बेल्ट, पर ब्लैक बेल्ट एक टीचर होता है, ब्लैक बेल्ट एक टीचर, अरे उसको मैंने कहीं पढ़ाने भेजो, उस बच्चे ने पढ़ाना आना चाहिए, जिसलिए मैं इसको ब्लैक बेल्ट, जब तक वो मैच्योर नहीं होगा तब तक मैं उसे ब्लैक बेल्ट नहीं दूंगा। जी, अब तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। yes, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के। yes, अब तो लड़कियां मैं तो प्राउडली कहूंगी कि बहुत आगे हैं। yes, कराटे की अगर बात की जाए तो क्या सीन है यहाँ पर? कराटे का दिएगा तो कराटे तो काफी अच्छा है, अभी अपने अभी ऑल इंडिया, ऑल महाराष्ट्र, ऑल अपना नागपुर सब जगह कराटे काफी अच्छा बेहतरीन हो चुका है। जी। पहले से अच्छा काफी अच्छा होगा, टूर्नामेंट लॉकडाउन के पास है, जो भी हमारे टीचर थे, जो भी हमारे कोचेस थे, सब जो खत्म हो चुके थे, अभी जैसे ही लॉकडाउन खुल गया सब अपनी अपनी क्लास चालू हो गई, थोड़ी थोड़ी इनकी इनकम आने लगी है सब चीज। सर, क्योंकि एक स्पोर्ट्स में अभी भी हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, अगर आप प्रशासन की बात करें तो हर जगह से हेल्प तो है लेकिन जितना होना चाहिए उतना कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है आपको कराटे की अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो यहाँ क्या हम कहीं कुछ चीज़ों में लैक कर रहे हैं? यस मैम, देखिए कराटे क्रिकेट के बाद हमारा कराटे आता है, ठीक, क्रिकेट बाद, अभी जो पुलिस हो आर्मी हो सब जगह में कराटे और पुलिस भर्ती में सब कुछ जाना चाहिए, पर उस जगह हमारे कराटे के सर्टिफिकेट को इनलीगल करके छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे कराटे में फ्रीडम, इतने सारे झगड़े चालू, वेरियस प्रकार के झगड़े चालू, ये एसोसिएशन, ये एसोसिएशन, वो एसोसिएशन, तो इसलिए मैं प्लीज़ सभी टीचर हो इंडिया हो महाराष्ट्र सभी टीचर को मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ कराटे एक हमारा इतना अच्छा स्पोर्ट्स गेम है जिससे हम सेल्फ डिफेंस में सीख सकते हैं, इसलिए कराटे को एक काफ़ी अच्छा गेम बनाइए, ताकि जो हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे, जो आप लोग को भी जो इनकम देते, जो पैसा देते, तो जो कराटे सीख के ब्लैक बेल्ट सीख के वो कहीं ना कहीं पुलिस हो आर्मी हो जाके वहाँ पे भर्ती हो, ताकि अपना कराटे का नाम अच्छा हो सके। जी सर, इतने सारे बच्चे हैं उनसे तो मिलना चाहूंगी और कुछ एक आपके कर्तव्य भी देखना चाहूंगी। yes, yes, तो इनके कर्तव्य तो साइड बाय साइड आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, जो इन्होंने अब तक किया है उसके फुटेजेस तो हमारे पास है, लेकिन लाइव हम देखेंगे और शायद थोड़ा एक दो चीजें मैं भी सीख लूं, कोशिश करती हूं इस उम्र में सीख पाऊंगी। यस मैम, क्यों नहीं, ज्यादा उम्र नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। चलिए सर, मिलते हैं आपके बच्चे से। मेरी टीम है, मैं ना ओनर से ना। अरे वाह, क्या बात है,
ये सबसे छोटू है। हाँ? क्या नाम है आपका? कितने साल के हो? सेवन ईयर्स के हो। कराते क्या होता है पता है? क्या होता है, कैसे होता है? इंटरेस्ट है आपको कि मामा पापा ने भेज दिया आपको कराते करने के? हाँ। कितना कितनी प्रैक्टिस करते हो फिर? बहुत प्रैक्टिस। बताओ कुछ कैसे करते हो? ये बात, शाबाश। Jigudaj, Moji, yeah. Running dance, kicking, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, three, four, five, six, seven, 360. One, yeah. Two, yeah. Three, yeah. Girls, ready, go. आराम से, जैसा करे बोलो साइड। ये हैमर जो है ये 20 किलो का हैमर है, जिसमें हमारे हाथों की ग्रिपिंग, देन हमारे शोल्डर, इसलिए इसकी एक्सरसाइज 20 किलो का हैमर। रेडी कंटिन्यू गो। तो लड़कियों को सबसे ज्यादा इस पे करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें हाथों में ताकत, पावर, स्ट्रांग बनने के लिए। रेडी सिकुदाज तुम्हारे दे। जोदान जी की पंच, राइट पंच आउट विद क्या साउंड? वन, टू, थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, फोर, फाइव। संदान जी की ट्रिपल पंच, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, योही, री, राइट, जिंकुदा जी, मोदी, भूषण, थ्री काउंटिंग, वन, टू, थ्री, स्विंग, योही। So, आज के स्पेशल सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं विजय सर, उनके फैंटास्टिक बच्चों से तो आप मिल ही चुके हैं, इनकी फैंटास्टिक जर्नी आप जान चुके हैं, लेकिन छोटे मोटे एक दो जो चीजें हैं वो मैं सीखना चाहूंगी। सर पता नहीं मैं सीख पाऊंगी कि नहीं, बट एक कोशिश हम जरूर करते हैं। कुछ बेसिक मुझे भी सिखा दीजिए, क्या पता मुझे ये काम आ जाए बाद में। yes, yes, जैसे मैं, आप लोग रिपोर्टर हो। हाँ। तो सब आप लोग, आपका घूमना ज्यादा होता है। हाँ। तो सपोज कोई आपके चैन स्निंग करने आता, कुछ भी अगर कुछ। हाँ। पैसे लूटने आता है तो आप कैसे करो? जैसे आपको कोई गला कैच कर, सॉरी मैम, अच्छा ठीक है, सुबह आज मिल, ठीक है, जैसे आपका गला जम के पकड़ता सुबह। हाँ। तो सब जो हमारे जो कोई गला अगर पकड़ता है तो गला पकड़ते हम सब हाइपर नहीं होना है, ठीक है। जब गला कोई हमारा पकड़ता है तो हमें सिर्फ कंट्रोल करना है हमारे गले की नसेस को कि कितना हमको पकड़ रहा है। हाँ। तो गला जब हमारा पकड़ता है तो हम जो प्रणाम करता है, देन ये देखिए, वन, देन टू, ठीक है, देन पीछे जाने का, देन राइट हैंड ऊपर, देन लॉक। वाओ, ओके, ठीक, आइए मैम, अभी स्लोली, ठीक है, सॉरी। हाँ, ना इट्स ओके, अब वो अगर टीन स्नैचर सॉरी थोड़ी बोलेगा मुझे। पहले प्रणाम कीजिए, हाँ नमस्ते, अपोजिट हाथ करिए, राइट पकड़ लीजिए ग्रिप, ठीक है, ऊपर राइट और ऊपर लीजिए। ये ऐसे मुड़ेगा कैसे? ऐसा, ये ये तो ऐसा हो गया। मेरा आप खुद टर्न करिए ना। अच्छा, मैं खुद टर्न? नहीं, आपको नहीं टर्न करना। ओके, हाँ, ठीक है, आज सुबह फिर से देखो, ठीक है, ये जब जाएगा, ठीक है, ठीक है, पीछे, ठीक है, पीछे द राइट वाला ऊपर करने का और लेफ्ट वाले को टर्न, ओके, देन पुश, ओके,
टाइम लगेगा सॉरी ओके क्रॉस यस पीछे एक स्टेप पीछे डाली एक गला छूट गया राइट वाले को राइट वाला ऊपर ठीक है अब मैं ये पुश करी मेरे हाथ को ऐसा ये ओके एक और बार अब कोई चेन नहीं खींच पाएगा मुझे आप इस साइड हो जाइए ओके चलो रेडी हां पीछे एक स्टेप बैक हां राइट क्रॉस ऐसा So this was all about our special segment with Vijay sir and inki journey jaan ke mujhe bahut inspiring laga. I hope ki inki journey aapko bhi inspire karegi. So I hope ki aise real heroes hamare society mein agar aa jaye to my society mein kahin na kahin bahut kuch acha hoga aur kehte hain na ki achhi ki shuruaat yahin se hoti hai. Ye sare bacche jo itna kuch seekh rahe hain zarur ye bacche aage jaake bahut kuch acha karenge. Sir aapko bahut bahut thank you and I hope ki aap ye jo journey hai aapka ye jo kaam hai ab yun hi jari rakhe. And आप भी अगर इनके साथ सीखना चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्ट हिम सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज एपिसोड मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ तब तक दीजिएगा इजाजत नमस्कार